हरे साग सब्जियों का सीजन है तो बहुत अच्छा मेथी, पालक, सरसों, इस तरह की चीज़ें आ रही है हरे हरे साग सब्जी। तो मेथी से आप ये वाला रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एकदम मस्त रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद, आप देख रहे हैं मम्मी की रसोई बाई कुमुद। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेथी के पत्ते। तो मेथी के पत्ते को अच्छी तरह मैंने तोड़ लिया है और तो करके धो लिया है। धोने के बाद में इसे इस तरह थोड़ा बारीक बारीक मैंने काट लिया है। अब मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल और इसमें अपने मेथी के पत्ते को मैं डाल लेती हूँ और इसमें ले लेती हूँ मैं एक छोटा सा, मैंने आलू लिया है जिसे ग्रेट कर लिया है। मैंने इसे छिलके के साथ ही कद्दूकस किया है और एक बारीक प्याज, उसे भी मैंने इस तरह देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, और एक हरी मिर्च, इसे काट लिया है। एक बार इन सारी चीज़ों को हम हाथों से इस तरह मिक्स कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा इस तरह मसल लेते हैं ताकि मेथी का पत्ता अच्छी तरह थोड़ा सा मसल जाए ऐसे। अब इसमें मैंने बीटरूट लिया है, इसे छील करके और ग्रेट कर लिया है इस तरह। तो मैंने एक छोटा बीटरूट लिया था, इसको ग्रेट करके ले लिया है और इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच दही। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और 2 चुटकी हींग डाल लेते हैं इसमें। 3 से 4 चम्मच बेसन और 2 चम्मच इसमें गेहूं का आटा, यानी कि रेगुलर आटा। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लेती हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें डाल लेती हूँ चिली फ्लेक्स, यानी कि 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और इन सारी चीज़ों को हम इस तरह मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह का आप देख सकते हैं हमें इसका मिश्रण तैयार करना है। ये देखिए, यानी कि ये अच्छी तरह बाइंड हो जाए ऐसा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा बेसन या फिर आटा कम, तो आप थोड़ा बहुत इसमें डाल करके इसे इस तरह बाइंड होने तक इसमें मिला सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाही लिया है और कढ़ाही में मैंने तेल डाला है और इस मिश्रण से हम इस तरह थोड़ा सा इतना बड़ा बड़ा हम बड़ा डाल लेते हैं, यानी कि मेथी बड़ा। तो जो हमने इसमें बीटरूट डाला है, वो जो मेथी का हल्का सा कड़वापन होता है वो इसको बैलेंस करता है, यानी कि हल्का सा इसको इसमें मिठास लाता है, जिससे कि मेथी का जो कड़वापन है वो थोड़ा कम हो जाता है और टेस्ट इतना अच्छा इसका बीटरूट के साथ मिलकर के आता है। तो इसमें हम 2-3 अपने बड़े को डाल लेते हैं, जितना हमारे कढ़ाई में तेल और स्पेस है। पलट लेते हैं इन्हें एक साइड से, देखिए अच्छा कलर इसमें आ गया है। और बीटरूट डालने से आप कलर इसका देख सकते हैं कितना प्यारा आया है, और टेस्ट का तो पूछिए मत, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है इसके, क्योंकि जो मेथी का पत्ता है वो जब आप भूनते हैं ना, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है।
तो सेम वैसी ही खुशबू इसमें से अभी आ रही है। तो ये देखिए हो गया है, निकाल लेते हैं इन्हें। बचे हुए भी बड़े को फ्राई कर लेते हैं। हाथों में थोड़ा सा पानी लगा करके और फिर आप बड़े को उठाएं और फिर हाथों पे इस तरह फैला करके डालेंगे तो बहुत आसानी से डल जाएगा, हाथों में ये चिपकेगा नहीं। तो ये बन करके तैयार है हमारा मेथी बड़ा। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डाल लेती हूँ काला नमक और थोड़ा सा डाल लेती हूँ मैं इस पर चाट मसाला। तो सर्दियों में हम लोग तरह तरह के हरी सब्जियों का अलग अलग तरह से रेसिपी बनाते रहते हैं, तो एक बार ये मेथी बड़ा आप ट्राई करके देखिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।